आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ 10 प्लस ऐसे प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिसको इस टाइम में परफेक्ट टाइम है कि आप इन प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले कुछ प्लांट की कटिंग लगा के रखा था और आप देख सकते हैं उन सब में रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप कौन कौन से प्लांट बना सकते हैं जिनमें जल्दी ही रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आप भी ये टेक्निक अपनाते हैं तो आपको बार बार नर्सरी से प्लांट नहीं खरीदना पड़ेगा। देखिए, ये कैनाफ हिबिस्कस की कटिंग है जो कि मैंने दिसंबर लास्ट में इन प्लांट की कटिंग लगाया था और आप देखिए थोड़े टाइम के बाद सब में कितने अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी कटिंग लगा रहे हैं तो आपको कोशिश ये करना है कि आप प्लांट की जो भी सॉइल मिक्स है वो बहुत अच्छा तैयार करेंगे। देखिए, मेरा ये वाला जो सॉइल है इसमें मैंने 80% तक सैंड ले लिया है और 20% तक मैंने अपने गार्डन की सॉइल ले ली है। कटिंग में कोई बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस आप जब भी मिट्टी ले रहे हैं तो मिट्टी को आप थोड़ा सा धूप में अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए जिससे कि उसमें किसी तरह का कोई भी फंगस वगैरह ना हो, कोई इंसेक्ट हो तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर आप उनमें कटिंग लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करती। देखिए मिट्टी मेरी कितनी भुरभुरी, जिसको मैंने 2 दिन पहले अच्छे से धूप में सुखा लिया है। अब इसमें मैं जो भी प्लांट की कटिंग लगाऊंगी, हद तक चांसेस है कि कटिंग जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो ये हो गई मिट्टी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी कटिंग लगाने वाली हूँ। तो फर्स्ट प्लांट देखिए फ्रेंड्स, ये है हाइब्रिड सदा जो कि नर्सरी में आपको 25 से 30 रुपए का इजीली मिल जाता है। इसकी आपको एक टिप की कोई भी ब्रांच आप चूज कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसके ऊपर से एक थोड़ा सा मोटी ब्रांच चूज कर ली। बहुत लंबी आपको ब्रांच नहीं लगाना है जब भी आप कटिंग लगा रहे हैं। नीचे नीचे की देखिए, मैंने इसकी सारी पत्तियां निकाल दी और मैं वेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं छोटे छोटे कुल्हाड़े, इनमें मैंने मिट्टी फिल कर ली। और ऊपर से कटिंग लगाने से पहले हमेशा आपको वाटरिंग करनी होती, कटिंग लगाने के बाद आपको पानी नहीं देना होता। इस तरह से देखिए, मैंने मिट्टी को अच्छे से नम कर लिया है। और ये कटिंग देखिए, जब भी आप इन कटिंग को कट करेंगे तो कोशिश करिएगा आपकी कटिंग 45 डिग्री एंगल में इस तरह से स्लैंटिंग कट होना चाहिए। बस सिंपली आपको इसको एलोवेरा में डिप कर लेना है। एलोवेरा में डिप करके जब आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है और आपके प्लांट को मतलब उसमें जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से देखिए, सेंटर में मैंने एक कटिंग इसकी लगा दी। अभी इस एक छोटे से पॉट में मैं और भी 2 या 3 कटिंग लगाऊंगी जो कि इजीली लग जाती है। दूसरा देखिए, ये जो प्लांट है ये है ऑर्नामेंटल कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है, कोलियस। आप स्प्रिंग सीजन आते ही आप इससे एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इसकी देखिए 3 से 4 इंच की मैंने इस तरह से एक लंबी कटिंग कट कर ली है। और इसके अलावा दूसरा, इस टाइम में जो आपका स्पाइडर प्लांट होगा उसमें इस तरह से देखिए रनर्स निकले होंगे। इन रनर्स के थ्रू आप बहुत आसानी से नए नए प्लांट बना सकते हैं। तो इनको देखिए, मैं सिंपली इनको मैंने यहाँ से ऐसे पकड़ के कट कर ली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी विद अपडेट के मैंने जो जो कटिंग लगाई थी उनका अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, आप ये स्पाइडर प्लांट को आप इनके रूट से भी सेपरेट कर सकते हैं। मैं तो एक प्लांट लाई थी और उससे मैंने इस तरह से देखिए इनकी यहाँ पे ऊपर ऊपर रूट्स आती हैं। तो आप इनको सिंपली बस ऐसे कट कर लीजिए। और इसकी भी जो ये नीचे नीचे की लीव्स हैं, इन लीव्स को आप कट कर दीजिए बहुत आसानी से। करीब 1-7 से 10 दिन में इनकी कटिंग ईजली ग्रो हो जाती है। आपका प्लांट हेल्दी, आपको बार बार नर्सरी से प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह से देखिए, ये भी मेरा जो बॉटल्स मैंने कट करके बहुत सारे प्लांटर बनाए हुए हैं तो ये उसी का एक जुगाड़ मैंने कटिंग लगाने के लिए भी किया। सिंपली देखिए इस तरह से मिट्टी उसमें फिल है। और ये देखिए करीब ये मैंने 5-7 दिन पहले लगाया था रनर को कट करके, और आप देखिए इसमें रूट्स कितनी हेल्दी रूट्स आएंगे। तो इस तरह से आप भी स्पाइडर प्लांट को उनके रनर से और उनके प्लांट को सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगला जो प्लांट
प्लांट है फ्रेंड्स, ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। बहुत खूबसूरत लीफी ग्रोथ वाला प्लांट होता है और नर्सरी में ये काफ़ी महंगा भी मिलता है, जो कि 2 से 3 इंच की कटिंग से भी ईजली लग जाता है। मेरे पास जेड की कटिंग मैंने बहुत ज़्यादा लगा के रखी, इसका बहुत ज़्यादा मेरे पास कलेक्शन है। अभी आपको आगे दिखाती हूँ इन कटिंग्स का भी अपडेट। इस तरह से जेड को तो आप चाहे एलोवेरा में डिप करिए ना करिए, ईजली लग जाता है। बस आपको मिट्टी का ध्यान रखना होगा। देखिए मैंने कुछ DIY प्लांटर्स भी बनाए हुए थे, तो उनमें देखिए मैंने जेड की कटिंग इस तरह से देखिए करके ऐसे लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी है मेरी सारी कटिंग। तो जेड ईजली लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है ये है आपका पर्पल हार्ट, ये भी इजली लग जाता है। नीचे नीचे की सभी पत्तियां रिमूव कर देना है और इसकी भी टिप की कटिंग आपको लेना है। 4 से 5 इंच की अच्छी कटिंग हो तो वो इजली लग जाती है। इस तरह से देखिए नर्सरी से प्लांट लाने के बाद जो पॉली बैग बचते हैं इनको भी मैं नहीं फेंकती हूँ, इनको रीयूज़ कर लेती हूँ कटिंग लगाने में। तो इस तरह से देखिए मिट्टी फिल करके और इसमें भी देखिए एक प्लांट की कटिंग लग गई। इधर देखिए मैंने इस तरह से पर्पल हार्ट की कितनी सारी कटिंग लगाया है और मेरे पास बहुत ज़्यादा इनकी कटिंग्स है जिनको आसानी से 1 हफ्ते 10 दिन में इनकी रूट्स आ जाती हैं। इसके बाद देखिए ये कोलियस है। कोलियस लगाना बेहद आसान होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है आपको, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा आपके गार्डन को पूरा कलरफुल लुक दे देगा। आप इसको 4 से 5 इंच की इसकी एक कटिंग ले लीजिए और इसमें पानी स्टोर होता है इनकी डंडियों में, तो आप कटिंग में ज़्यादा पानी बिल्कुल ना लगाइएगा। आगे आपको बताती हूँ कि कटिंग ख़राब क्यों हो जाती है। इस तरह से देखिए इसमें भी मैंने एलोवेरा को डिप कर लिया है और डिप करने के बाद सिंपली इसको ऊपर ऊपर की आपको लीव्स रिमूव कर देना। इस तरह से देखिए मिट्टी में 2 से 3 इंच तक मैंने अंदर दबा दिया है। इसकी भी ऊपर ऊपर की लीव्स हटा दूंगी। कटिंग जब भी आप लगा रहे हैं तो कटिंग को लगाने के बाद 1 हफ्ते भर के लिए आप उसको शेड में रखिए, जहां सिर्फ उस पर 1 से आधे घंटे की ही सनलाइट पड़े, और उसके बाद फिर आप उसको अच्छी मतलब 3 से 4 घंटे की धीरे धीरे करके आप उसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ा रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो है ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन है, ये इसका ग्रीन वाला है। अभी मैं आपको इसको भी लगा के दिखाती हूँ और इसका एक पर्पल ब्राउन डार्क ब्राउन वाला है वो भी आपको दिखाती हूँ कि वो भी बहुत इजीली आप उसको लगा सकते हैं, आसानी से वो लग जाती। इस तरह से देखिए जो भी इनकी लीफ थी नीचे नीचे की इनको मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद इसको इस तरह से एलोवेरा में डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद 3 से 4 इंच 5 इंच की भी इनकी कटिंग ईजली लग जाती है। सिंपली आप देखिए इसको इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। कटिंग लगाने से पहले हमेशा पानी डाल लेते हैं बार, और कटिंग को फिर आप धीरे धीरे उनकी सनलाइट बढ़ाते रहिए। और जो मिट्टी में आपको पानी देना है तो वो आप डायरेक्ट किसी चीज़ से मत दीजिए। इस तरह से जैसे मैंने बॉटल के कैप में होल करके एक स्प्रे टाइप में बना लिए जिससे धीमे धीमे पानी आए, तो आप वैसे ही पानी देंगे। एक बार की बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे देंगे। ये देखिए इसका जो ये वाला है इसको मैंने देखिए कुछ टाइम पहले कटिंग से लगाया था और आप देख सकते हैं इनकी रूट्स कितनी ज़्यादा हेल्दी हैं कि ऊपर तक दिख रही हैं। ये देखिए ये, और कितने छोटे से वो जो कॉफ़ी वाला यूज़ एंड थ्रू कप होता है मैंने उसमें कटिंग लगाया था और आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी इनकी रूट्स बन गई हैं। मुश्किल से ये दिसंबर लास्ट में ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड किया था तो तभी की ये कटिंग लगी हुई है, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। तो इस तरह से आप स्वीट पोटैटो वाइन को एक प्लांट से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे इनके प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। बहुत आसानी से इनकी कटिंग चल जाती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो एक कटिंग ये हो गई। इसके बाद देखिए ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन तो आपका बहुत ही ढीठ टाइप का प्लांट होता है, 1 इंच की कटिंग भी कहीं टूट के गिर जाए मिट्टी में तो ये पूरे में फैल जाता है। ये देखिए ये
इस तरह से मेरे पास एक मटकी थी, इसको मैंने जो भी इसमें अच्छे से मिट्टी को फिल कर ली, और सिंपली इसकी कटिंग को तो लगाने में कोई एलोवेरा नहीं, आप बस ऐसे ही मिट्टी पे रख भी देंगे तो ये अपने आप इनकी जड़ें बनने लगती हैं। तो इस तरह से देखिए, सिंपली मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर ये सारी कटिंग जो भी हैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैंने इसको हड़िया में ऐसे लगा दिया। थोड़े टाइम के बाद ये सब में आसानी से जड़ बन जाएगी, क्योंकि टर्टल वाइन का भी ये डोरमेंसी है, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन इनकी कटिंग ईजली लग जाती है। तो इस तरह से आप भी महंगे महंगे प्लांट को बार बार क्यों परचेस करना, कटिंग से ही बनाइए। ये वाला देख रहे हैं, ये मेरा अडेनियम है, इसका फ्लावर देख रहे हैं कितना बड़ा वाला फ्लावर है, ये ग्राफ्टेड है रोजी अडेनियम। और इसमें देखिए, इसको भी मैंने ये वेस्ट ऐसा ऐसा है छोटा सा 3 से 4 इंच का मेरा पॉट है, इसको मैंने इसमें कटिंग लगाया था, और आप देखिए मेरी ये कटिंग कितनी हेल्दी सर्वाइव हो गई, कितनी सारी इसमें ब्रांच आ गई है और उन ब्रांचेज में कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई। इसको मैंने इतनी ही बड़ी एक कटिंग लेके सिंपली बस ऐसे मिट्टी में खोज दिया था, इसे लगा दिया था, और ये देखिए कितना हेल्दी मेरी ये कटिंग हो गई। इसको मैं स्प्रिंग सीजन में चेंज कर दूँगी दूसरे पॉट में। ये देखिए, ये कटिंग कुछ टाइम पहले मैंने लगा के रखा था, आप इनमें देख रहे हैं हल्की हल्की सी साइड साइड से इनमें रूट्स आ गई हैं। तो अडेनियम कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। आप भी अगर बहुत महंगा प्लांट मिलता है आपको, ये 500 600 800 इस तरह से इनकी वैरायटी पे डिपेंड करता है, तो आपको महंगे महंगे प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इनकी कटिंग आपको कहीं से भी मिल जाए तो 3 से 4 इंच की कटिंग से भी ये ईजिली लग जाता है। इनके नीचे नीचे की जो भी लीव्स हैं इनको रिमूव कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा लगा देंगे, आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें फंगस वगैरह बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है जिससे आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है। मैंने तो लास्ट टाइम इसमें फंगीसाइड ऐड करके लगाया था तो मेरी कटिंग गली नहीं। कटिंग गलने का एक बड़ा मेजर कारण होता है ओवर वाटरिंग, अगर आपने कटिंग में ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपकी कटिंग डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, ये छोटे छोटे से बेबी पप्स आ रहे हैं एलोवेरा में, तो इन पप्स से भी आप इनको लगा सकती। मैंने देखिए कुछ टाइम पहले एक पप लगाया हुआ था, आपको दिखाती हूँ निकाल के, उसमें अच्छी खासी रूट्स आ गई हैं। तो वैसे भी ये पप्स हैं, अगर इनमें रूट्स नहीं भी है तो अभी इस टाइम में आपको भी एलोवेरा में इस तरह के छोटे छोटे बेबी प्लांट दिख रहे होंगे, तो आप उनको सेपरेट कर सकती हैं। आपको स्नेक प्लांट में भी ऐसे पप्स दिख रहे होंगे, तो आप एक स्नेक प्लांट से बहुत सारे बना सकती हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है, ये देखिए अजवाइन प्लांट है, ये भी बहुत आसानी से लग जाता है, एक मेडिसिनल प्लांट होता है। तो अजवाइन की भी देखिए, नीचे नीचे की मैंने जो भी पत्तियाँ थी उन सबको कट कर दी, और सिंपली इसको कट करने के बाद इनकी लीव्स आप बस इसको सेंटर, मतलब जहाँ भी लगा रहे हैं हल्का सा होल करके लगा दीजिए। मैंने देखिए मिट्टी में पहले ही वाटरिंग कर दी, अब मैं जो नेक्स्ट वाटरिंग करूँगी वो 4 से 5 दिन के बाद इसमें पानी डालूंगी, जब इसकी मिट्टी मुझे ड्राई दिखेगी, और अगर मिट्टी तब भी गीली रही तो पानी नहीं देना है मुझे। इसके बाद ये देखिए बोगनवेलिया है, इसकी भी मैं कटिंग लगाना बताती हूँ। थोड़ा सा पेंसिल की थिकनेस के बराबर आपको इसकी टिप की कटिंग, या फिर नीचे से आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा कटिंग आपकी थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का सा वुडी होना चाहिए। उसको लेने के बाद देखिए, इस तरह की मैंने दो प्लांट की कटिंग ले ली, नीचे नीचे की सारी लीव्स इनकी रिमूव करने के बाद इनको सिंपली इनको भी हल्का हल्का सा एलोवेरा में डिप करने के बाद, और मैं इनको लगा दूंगी। ये भी मैंने आपको इससे पहले की एक वीडियो में दिखाया था, जो मैंने कटिंग से सिंपली बस ऐसे ही मैंने खोज दिया था, उसको मिट्टी में ऐसे लगा दिया था, उनमें भी बहुत अच्छे से रूट्स आ गई, उसमें तो मैंने एलोवेरा का भी यूज़ नहीं किया था। इस तरह से देखिए, बस कटिंग आपकी हिलना नहीं चाहिए, और उसको आप बार बार छुएंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो आसानी से लग जाती है। सॉरी,
तो इस तरह से देखिए, आप भी जो भी महंगे प्लांट हैं इस टाइम में आप उनकी कटिंग लगा लीजिए। तो स्प्रिंग सीजन अब स्टार्ट हो रहा है, आपके गार्डन में बहुत कलरफुल लुक आएगा और आपको ज़्यादा प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी कटिंग के बारे में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।